हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजूदास ऑफिशियल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक नया जानकारी लेकर के आया हूँ। रेलवे की तरफ से एक नया ऑर्डर इशू हुआ है। जो जानकारी जो तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर आपको कैसा लगा? क्या ये सिस्टम ठीक है या फिर पहले ठीक था? अंत में आप जरूर कॉमेंट्स कीजिएगा। सो क्या है नया ऑर्डर, क्या है नया सर्कुलर, क्या है नया ये रेल का इन्फॉर्मेशन? ये जो बदलाव है सभी यात्री को जरूर देखना, जो लोग भी रेल में सफर करते हैं। सो आइए अभी आप सभी के साथ शेयर करता है क्या है नया ऑर्डर, क्या है नया जानकारी इसी वीडियो पर। सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जल्द से जल्द कीजिए लाइक, और आप सभी लोग कमेंट्स कीजिए आप लोग मेरे इस वीडियो को कौन किस शहर से देख रहे हैं। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं, जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, रेलवे का न्यू रूल ये है कि ट्रेन का जो भी टिकट होता है, जिसे हम लोग रिजर्वेशन करते हैं, बुक करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे तो फिर आप किसी रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन जो बुकिंग काउंटर है वहां पर जाकर आप बुक करें, या तो फिर आप अपना मोबाइल से बुक करें, जो भी रेलवे का बुकिंग टिकट्स है, जो भी रेलवे का रिजर्वेशन टिकट्स है, उसी पर बदलाव आया है। और बदलाव ये है कि आने वाले 1 नवंबर से, जैसे कि आज है 21 अक्टूबर, ठीक उसी तरह आने वाले 1 नवंबर से, देखिए हम लोग जो रिजर्वेशन करता है, हम लोग रिजर्वेशन एडवांस कर लेते हैं, यानी कि बुकिंग एडवांस कर लेते हैं समय से पहले। एग्जांपल के लिए आज हो गया 21 अक्टूबर, अब अगर मुझे कहीं पे जाना है 30 अक्टूबर को, मेरा जो टिकट है उसे मैं आज या फिर कल बुकिंग रिजर्वेशन कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है टिकट कंफर्म मिलना थोड़ा सा झंझट होता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए मैं पहले से बुकिंग कर लूंगा, ताकि 30 अक्टूबर आने तक मेरा जो टिकट है वो अगर वेटिंग भी रहा फिर भी वो कंफर्म होने का चांसेस है, या तो फिर कंफर्म हो ही जाता है। सो इसी रिजर्वेशन, इसी बुकिंग पर आया है नया परिवर्तन, नया नियम। और नियम ये है कि अब तक, यानी कि अभी तक, यानी कि आप 31 अक्टूबर तक अगर हम लोग चाहे तो हम लोग 120 दिन पहले तक एडवांस बुकिंग कर सकते हैं, रिजर्वेशन कर सकते हैं। सपोज आज है 21 अक्टूबर, अब मुझे जाना है जनवरी को दिल्ली या फिर मुंबई कहीं पर भी, सो मैं जनवरी का मुझे अगर जिस डेट को जाना है उस दिन का टिकट मैं अभी बुक कर सकता हूँ, मैं अभी उसका टिकट रिजर्वेशन कर सकता हूँ। पर आने वाले 1 नवंबर से ये रूल हट गया है। अभी अगर आप चाहेंगे फिर भी आप 60 दिन से ज्यादा बिफोर टिकट बुक नहीं कर सकते, जो कि रेलवे का नया रूल लगा हुआ है। पहले ये रूल था 120 दिन, सो इसे रिड्यूस कर दिया गया है, इसे घटाकर 60 दिन फिक्स कर दिया गया है। सो अभी आप 7 दिन से ज्यादा बिफोर टिकट नहीं बुक कर सकते, टिकट नहीं रिजर्वेशन कर सकते, आपका वेटिंग हो या ना हो, कन्फर्म हो या ना हो। सो फ्रेंड्स, यही था आज का नया अपडेट रेलवे के रिगार्डिंग, रेलवे रिजर्वेशन टिकट के रिगार्डिंग। सो अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सभी के साथ शेयर जरूर कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे फिर से कोई नए और यूनिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस को लेकर के। आज के लिए फ्रेंड्स इतना।